Friends today I will do the exercise six point one, question number one to five of math site in danica Learning Book six three revision. Okay, so friends, let's start. My name is Sahil and you are watching cbsc S E first grade guide. Okay, so friends, question number one is which of the following fractions are equivalent fractions? In my कौन fractions equivalent fractions? है सो so, ए पार्ट है टू बाई फाइव एंड थ्री बाई फाइव तो सबसे पहले इक्वलेंट फ्रैक्शंस के बारे में मैं आपसी को बताता हूँ इक्वल एट फ्रैक्शंस ऐसी दो फ्रैक्शन्स होती है पेयर ऑफ फ्रैक्शंस होती है जो कि जिनकी वैल्यू इक्वल हो जैसे कि जो कि एक दूसरे की फैक्टर फैक्टर या मल्टीपल हो तो अब हम ए पार्ट करते हैं हमारी नोटबुक पर टू बाई फाइव एंड थ्री बाई फाइव क्या ये इक्वल फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन है तो देखो टू बाई फाइव थ्र, थ्री थ्री बाई फाइव का ना ही ये फैक्टर है और ना ही ये मल्टीपल है ना ही थ्री बाई फाइव इसका मल्टीपल या फैक्टर है मतलब कि इन ये दोनों नहीं है इक्वलेंट फ्रैक्शन नो सो अब जो बी पार्ट है वो हम कर लेते हैं थ्री बाई सेवन एंड नाइन बाई ट्वेंटी वन थ्री बाय सेवन एंड नाइन ट्वेंटी वन ओके सो जैसे कि थ्री बाई सेवन है अब थ्री पर नाइन आता है थ्री के टेबल में नाइन आता है और सेवन के टेबल में भी ट्वेंटी वन आता है सो so, अब हमने ऐसे देखना है कि इन इनको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये आंसर आ जाए तो ऐसा कौन सा नंबर होगा देख लेते हैं हम कर कर मल्टीप्लाई थ्री बाई थ्री तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नाइन बाई ट्वेंटी वन मतलब कि यस दी आर इक्वल एंड फ्रैक्शंस तो आगे आप अपने आप लिख लेना मैं यहाँ पर कॉमर्स डाल रहा हूँ ओके सो सी पार्ट अब हम कर लेते हैं सी पार्ट है फोर बाय नाइन एंड सिक्सटीन बाई ट्वेंटी सेवन ओके सो यहाँ पर फोर सिक्सटीन फोर का मल्टीपल है और ट्वेंटी सेवन नाइन का मल्टीपल मल्टीपल है तो अब हम इसको कर कर देख लेते हैं देखो अब हमने करने है हैं सेम नंबर के साथ बट अगर हम देखें तो फोर को हमें फोर के साथ मल्टीप्लाई करने करना पड़ेगा सिक्सटीन लाने के लिए और नाइन को थ्री के साथ तो वो तो थ्री बाई फोर हो जाएगा वो तो थ्री बाई फोर हो जाएगा तो ये नहीं माना जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो तो अब हम आ जाते हैं डी पार्ट में डी पार्ट है सेवन बाई नाइन एंड थ्री थर्टी फाइव बाई फोर्टी फाइव सेवन बाई नाइन एंड थर्टी फाइव बाई फोर्टी फाइव ओके सो सेवन के टेबल में थर्टी फ़ाइव कितने पर आता है फ़ाइव में नाइन के टेबल में फोर्टी फाइव कितने पर आता है फाइव में तो अब ये दोनों एक नंबर पर आ रहे हैं तो अब हम फाइव बाई फाइव से कर देंगे मल्टीप्लाई थर्टी फाइव बाई फोर्टी फ़ाइव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा यस दीज आर इक्वल इक्वल एंडफ्रैक्शन वो आप लिख देना सो so, ई पार्ट हम कर लेते हैं वन बाई टू एंड वन बाई थ्री वन बाय टू एंड वन बाय थ्री सो ये वन बाई टू एंड वन बाई थ्री है सो so, जो कि वन बाई टू एंड वन बाई थ्री है इनमें क्या होगा ये दोनों इक्वलन फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ना ही मल्टीपल है या ना ही फैक्टर्स है तो इसका आंसर आ जाएगा नो no. तो अब हम करते हैं एफ पार्ट एफ पार्ट में है एट बाई टेन एंड ट्वेंटी फोर बाय थर्टी एट बाई टेन एंड ट्वेंटी फोर बाई थर्टी ट्वेंटी फोर बाई थर्टी ओके सो एट को हम अगर ट्वेंटी एट को अगर हम ट्वेंटी फोर को अगर हम ऐट से डिवाइड करके देखें तो हमारे पास आंसर आएगा थ्री थर्टी को टेन के साथ थ्री तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री और थ्री के साथ सो so, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फोर बाय थर्टी तो इसका क्या होगा येस दीज आर इक्वल फ्रैक्शंस ओके जी फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज राइट द फर्स्ट फाइव इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग तो हमने इनकी फर्स्ट फाइव इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है मतलब कि हमने इनको टू से लेकर सिक्स तक मल्टीप्लाई करना है और वो होंगी इनकी फर्स्ट फाइव इक्वलेंट फ्रैक्शंस तो अब हम नाइन बाई इलेवन मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले टू से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एट एटीन बाई ट्वेंटी टू वैसे ही हम कर देते हैं नाइन बाई इलेवन को थ्री बाई थ्री से तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन और यहाँ पर आ जाएगा थर्टी थ्री वैसे ही हम कर देंगे फोर से हमारे पास आंसर आ जाएगा नाइन फोर जो थर्टी सिक्स और फोर बाय फोर्टी फोर वैसे ही हम कर देंगे फाइव से सो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्टी फाइव बाय फिफ्टी फाइव ऐसे ही हम कर देंगे सिक्स से नाइन बाई इलेवन मल्टीप्लाई सिक्स तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा फिफ्टी फोर बाई सिक्सटी सिक्स ओके फ्रेंड्स जो कि हमारा बी पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं तो हमारा जो बी पार्ट है वो है फोर बाई फाइव सो फोर बाई फाइव के फर्स्ट इक्वल इंट्रैक्शन से निकालिए फोर बाई फाइव मल्टीप्लाई टू इक्वल टू एट बाई टेन फोर बाई फाइव मल्टीप्लाई थ्री इज वल टू यहाँ पर थ्री आएगा मैंने फाइव लिख दिया है फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व फाइव मल्टीप्लाई थ्री फिफ्टीन फोर बाई फाइव मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन बाई ट्वेंटी एंड फोर बाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज ईक्ल टू ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फाइव फोर बाई फाइव मल्टीप्लाई सिक्स बाई सिक्स फोर सिक्सा हो जाएगा फोर सिक्सा uh, हो जाएगा ट्वेंटी फोर एंड फाइव सिक्स या थर्टी ओके सो फ्रेंड्स अब हम सी पार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर ओके से फ्रेंड्स जो कि हमारा सी पार्ट है वो है फाइव बाय थर्टीन तो फाइव बाई थर्टीन को टू से कर देंगे तो टेन बाई ट्वेंटी सिक्स फाइव बाई थर्टीन को थ्री से कर देंगे सो थर्टी नाइन और ऊपर आ जाएगा फिफ्टीन फाइव बाई थर्टीन को हम कर देंगे फोर बाई फोर के साथ और यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी और यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टी टू सो so, ऐसे ही फाइव बाई फाइव से कर देंगे यहाँ पर सेम ही आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटी फाइव सो सिक्स बाई सिक्स से सिक्स बाई सिक्स से भी कर देंगे हम इक्वल टू थर्टी एंड सेवेंटी एट ओके सो डी पार्ट अब हम कर लेते हैं डी पार्ट है थ्री बाई सेवन तो ये वाला थोड़ा सा ईजी है सो so, थ्री बाई सेवन मल्टीप्लाई टू इजिक्वल टू सिक्स बाय फोटीन मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू नाइन बाई नाइन बाई सेवन था ओके सो ट्वेंटी वन नाइन बाई ट्वेंटी वन और यहाँ पर वो सेम ही हम डाल देंगे और यहाँ पर फोर बाय फोर इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा ट्वेल्व एंड सेवन मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा ट्वेंटी एट फाइव बाई फाइव से कर देंगे और सिक्स बाई सिक्स से कर देंगे तो अब हम कर देते हैं फाइव बाई फाइव से सबसे पहले सो so, फाइव बाई फाइव का आंसर हमारे पास आ जाएगा थ्री बाई सेवन थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से तो फिफ्टीन सेवन को करेंगे तो थर्टी फाइव और सिक्स से के साथ करेंगे यहाँ पर एटीन और वहाँ पर फोर्टी टू ओके फ्रेंड्स अब हम ई पार्ट करते हैं ई पार्ट है टू बाय नाइन ओके सो टू बाई नाइन अब हम कर लेते हैं टू बाय नाइन मल्टीप्लाई टू बाई टू इज इक्वल टू फोर बाई एटीन सो थ्री बाई थ्री के साथ कर देंगे फोर बाय फोर के साथ कर देंगे फाइव बाई फाइव सबसे पहले मैं उतार ही लेता हूँ ओके सो ओके सो थ्री के साथ कर देंगे टू थ्री साजा सिक्स नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन और यहाँ पर थर्टी सिक्स और यहाँ पर आ जाएगा एट यहाँ पर आ जाएगा टेन यहाँ पर आ जाएगा फोर्टी फाइव यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टी फोर और यहाँ पर आ जाएगा टू सिक्स ट्वेल्व ओके सो फ्रेंड्स अब एफ पार्ट है थर्टीन बाय फिफ्टीन तो थर्टीन बाय फिफ्टीन मल्टीप्लाई टू बाई टू इज इक्वल टू थर्टीन को अगर हम टू से करते ट्वेंटी सिक्स और फिफ्टीन को अगर टू से थर्टी थर्टीन बाई फिफ्टीन को अगर हम कर दें थ्री बाई थ्री से तो हमारे पास आ जाएगा थर्टी नाइन बाई फोर्टी फाइव और वैसे ही फोर बाई फोर से फोर बाई फोर से अगर हम करेंगे तो फिफ्टी टू एंड नीचे सिक्सटी फाइव बाई फाइव से करेंगे तो सिक्सटी फाइव और नीचे आ जाएगा हमारे पास सेवेंटी फाइव और यहाँ पर सिक्स बाय सिक्स से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेवेंटी एट बाय नाइंटी ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो फ्रेंड्स ये है हमारा थर्ड पार्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन टू देअर लोएस्ट टर्म्स मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म तो हमने इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं टू फिफ्टी बाई थ्री सिक्सटी टू फिफ्टी बाई थ्री सिक्सटी तो हमने क्या करना है इनका एक ऐसे नंबर पर देख लेना कि ये कौन से नंबर पर आते हैं दोनों आते हैं तो वो है जो सबसे पहले हमारे दिमाग में हम नंबर आता है वो है टेन अगर टेन पर जो भी पीछे ज़ीरो होते हैं तो वो टेन पर आ जाते हैं तो ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स आ जाएगा आंसर तो अब ये दोनों किसी भी और टेबल पर नहीं आते तो ये आगे रिड्यूस नहीं होंगे तो यही है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ए पार्ट और अब हम करते हैं बी पार्ट वन सेवेंटी फाइव बाई थ्री ट्वेंटी फाइव वन सेवेंटी फाइव बाई थ्री ट्वेंटी फाइव तो अब तो अब हम इसको ट्वेंटी फाइव से कर कर देख लेते हैं तो अगर हम इसको ट्वेंटी फाइव से करें तो ट्वेंटी फाइव फोर हंड्रेड एंड उसके बाद सेवन आ जाएगा इसका आंसर ऊपर वाले का और और उसके बाद आ जाएगा हमारा आंसर थर्टीन सेवन बाय थर्टीन सेवन और थर्टीन किसी भी टेबल पर नहीं आता तो यही है इसकी किसी फॉर्म सी पार्ट हम कर लेते हैं सी पार्ट है टू ट्वेंटी बाई सेवन फिफ्टी टू ट्वेंटी बाई सेवन फिफ्टी इसको डिवाइड कर देंगे टेन के साथ और हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा आ, वो होगा ट्वेंटी टू बाई सेवेंटी फाइव ये दोनों एक भी टेबल पर नहीं आते तो हम नेक्स्ट वाले पर हो जाते हैं स्विच एट ट्वेंटी बाई थ्री सिक्सटीन हंड्रेड ओके सो so, ये वाला सबसे पहले इस ये वाला आ जाता है ट्वेंटी के टेबल में क्योंकि यहाँ पर ट्वेंटी और सिक्सटीन हंड्रेड भी ट्वेंटी का मल्टीपल होता है सो so, ट्वेंटी अगर हम ट्वेंटी के हिसाब से देखें तो टेन और वो हो जाएगा ट्वेंटी और फोर्टी सो एट हंड्रेड ट्वेंटी के टेबल पर फोर्टी आ जाएगा तो फोर्टी वन होगा इसका आंसर और फोर्टी को अगर हम डबल कर दें तो एट्टी आ जाएगा हमारा आंसर फोर्टी वन और एट्टी किसी भी टेबल के ऊपर नहीं आता तो यही है हमारा आंसर सो so, अब हम आ जाएंगे ई पार्ट के ऊपर ई पार्ट है फिफ्टी सेवन बाय सेवेंटी सिक्स तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला सम है तो ये वाला भी हम कर लेते हैं सो so, ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सेवेंटी सिक्स ये का इसमें ऑफ स्क्रीन सबसे पहले देख लेता हूँ ओके सो गाइस ये नाइनटीन के टेबल के ऊपर आ जाता है तो हम इसको नाइन्टीन के साथ कर देंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री बाय फोर तो हमारा ये एफ पार्ट है तो अब हम एफ पार्ट कर लेते हैं ट्वेंटी टू बाय वन ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी टू बाय वन ट्वेंटी वन भी गाइस हम कर लेते हैं ओके तो जो इस जो ट्वेंटी टू और वन ट्वेंटी वन है वो इलेवन पर डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा टू बाय और इलेवन ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो फ्रेंड्स क्योंकि मेरा फोर्थ सम है वो है कम uh, फिल इन द ब्लैंक्स तो हमने ब्लैंक्स को फिल करना है सो फिल फिलअप्स है तो टू बाय डैश इजिकल टू थर्टी टू बाय फोर्टी एट तो इसका सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है हम इसको मतलब कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है उसको दूसरे नंबर के जिसके नीचे या ऊपर डैश हो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर जो भी नंबर दूसरे नंबर में हो मतलब कि उससे हम डिवाइड कर दें जैसे कि यहाँ पर थर्टी टू और टू है तो अब हम क्या कर देंगे थर्टी तो टू बाई फोर्टी एट तो थर्टी टू के ऊपर थर्टी टू के टेबल मतलब कि टू में टेब टू के टेबल में थर्टी टू कित कहाँ कितने पर आता है तो वो है सिक्सटीन तो अब हम इसको कर देंगे डिवाइड सिक्सटीन के साथ और हमारा आंसर आ जाएगा टू बाई थ्री और यहाँ पर होगा टू बाई थ्री तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर है थर्टी और डैश तो अब हम जो टू बाई थ्री होगा उसको हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास थर्टी बाई डैश आए तो अब हम इसको किसके साथ करेंगे टू बाई फिफ्टीन बाई फिफ़्टीन बाई फिफ्टीन के साथ हम कर देंगे तो यहाँ पर थर्टी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा फोर्टी फाइव तो यह है हमारे फर्स्ट वाले का आंसर ओके okay, सो so अब हम नेक्स्ट कॉल करते हैं ये वाला भी वैसे ही है इस बार बस थ्री बाई फाइव दिया हुआ है तो थ्री बाई फाइव को ऐसे कौन से नंबर से करेंगे ताकि हमारे पास ट्वेंटी फोर आ जाए थ्री के टेबल पर ट्वेंटी फोर आता है एट पर तो एट यहाँ पर आ जाएगा फोर्टी यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी फोर तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्टी ट्वेंटी फोर बाई फोर्टी थ्री बाई फाइव को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि डैश बाई सिक्सटी आ जाए तो फाइव के टेबल के ऊपर सिक्सटी का कितने बार आते हैं ट्वेल्व पर तो अब हम थ्री को भी ट्वेल्व पर ट्वेल्व से कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स बाय सिक्सटी ओके सर फ्रेंड्स लेट्स गो टू लास्ट क्वेश्चन ओके जो का हमारा फिफ्थ पार्ट है पुट द साइन मतलब कि कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ये वाले साइंस ओके सो टू बाय फाइव और वन बाय सेवन सबसे पहले तो देख लेना है कि एक नंबर दूसरे का आ, ए, ए, एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का मतलब कि मल्टीपल या फैक्टर है अगर नहीं है तो अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम दोनों नंबर को दूसरे के डिनोमिनेटर से कर देंगे और जो कि इधर वाला नंबर होगा उसको दूसरे के डिनोमिनेटर से कर देंगे तो अब हम फाइव बाई फाइव से कर देंगे टेन यहाँ पर आ जाएगा नीचे आ जाएगा ट्वेंटी फाइव तो वन बाई सेवन मल्टीप्लाई हम कर देंगे फाई uh, मैंने ये गलत कर दिया यहाँ पर सेवन बाई सेवन आएगा और यहाँ पर होगा फोटीन और यहाँ पर सेवन बाई सेवन मल्टीप्ला फाइव होगा थर्टी फाइव तो यहाँ पर अब हम कर देते हैं वन मल्टीप्लाई सेवन को ऐसे नंबर से करना है ताकि हमारे पास थर्टी फाइव आए तो वो है फाइव मतलब कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी मैं किसी और साइड पर ही चला गया था सो फोर्टीन बाई फोर्टीन बाई थर्टी फाइव उसको हमने कंपेयर करना है फाइव बाई थर्टी फाइव से तो बड़ा कौन सा है फोर्टीन बाई थर्टी फाइव और अब हम क्या कर देंगे टू बाई फाइव को कह देंगे कि ये बड़ा है साइन कर देंगे इसकी तरफ तो अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पर तो हमारा बी पार्ट है फाइव बाई एलेवन फोर बाई थर्टीन फाइव बाई इलेवन फोर बाय थर्टीन तो सबसे पहले हम फाइव बाई इलेवन को कर देंगे मल्टीप्लाई थर्टीन से सो so, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा वन फोर्टी वन विट थर्टीन वन फोटी थ्री आएगा हमारा आंसर यहाँ पर और थर्टीन को अगर हम फाइव से करें तो हमारा आंसर आएगा सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव बाई वन फोर्टी थ्री और अगर हम फोर बाई थर्टीन को इलेवन बाई एलेवन से कर दें तो फोर्टी फोर बाई वन फोर्टी थ्री आएगा हमारा आंसर ओके सो बड़ा कौन सा है सिक्सटी फाइव बाई वन फोर्टी थ्री मतलब कि फ़ाइव बाई इलेवन ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव टू दी सी पार्ट तो ये हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड्स जो कि हमारा सी पार्ट है वो है सेवन बाई फोर्टीन को हमने कंपेयर करना है वन बाई टू से तो अब हाँ इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है मतलब कि इन दोनों के डिनोमिनेटर एक दूसरे के मल्टीपल या फैक्टर हैं तो अब हम क्या करेंगे वन बाई टू को हम फोर्टीन के साथ जैसे कि करेंगे मतलब कि फोर्टीन लाएंगे इसका और वन जो कि होगा वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिससे जिससे फोर्टीन मतलब कि जिस, जिस, जिस नंबर पर टू के टेबल पर फोर्टीन आता है तो अब हम क्या करेंगे वन बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर पे जिसका आंसर आएगा सेवन बाई फोर्टीन तो वो है सेवन तो यहाँ पर आ जाएगा सेवन बाई फोर्टीन मतलब ये दोनों इक्वल है, तो अब हम इक्वल वाला साइन डाल देंगे ओके सो फ्रेंड्स जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थ्री बाई एटीन एंड थ्री बाई फोर तो इस वाले में भी थ्री बाई नाइन है ये नाइन ओके सो इस वाले में भी डिनोमिनेटर इक्वल है नाइन के टेबल पर एटीन आ जाता है सो so, अब हम थ्री बाय नाइन को टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाला भी टू के साथ हो जाएगा सिक्स बाई एटीन आ जाएगा हमारा आंसर तो सिक्स बाई एटीन बड़ा है थ्री बाई एटीन से तो इसका आंसर होगा राइट right साइड वाला थ्री बाय नाइन ओके जो फ्रेंड्स आज के वीडियो तो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बय हर चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय